हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि गाइज आप लोग अच्छे होंगे। तो एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग भी मैंने शुरू कर ही दिया है, और आज मेरे साथ मेरी मम्मी भी है। तो मम्मी को बोलते हैं कि क्या कहना है आपका। मम्मी, आपका क्या कहना है, क्या बोला आप, क्या क्या आज सुबह से बस। क्या क्या कपड़े धोए, फिर हाँ झाड़ा पोछा करेंगे, हाँ उसके बाद छानिन जाओगे आज, ना थाने नहीं जाओगे आज, क्यों ऐसी ऐसी आप मम्मी नहीं जा करेगी बड़कोट। आज बड़कोट में आराम करेंगे, थोड़े हाँ कपड़े कुपड़े फाइल फोल्ड करेंगे, ऐसे बोलो, मम्मी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, चैनल को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों, अब मम्मी देखते हैं आपकी मम्मी शर्मा गई। मम्मी को बोला ही नहीं यार, मम्मी भाग गए जिद्दे। तो गाइज ऐसी मम्मी बीच बीच में आती रहेगी ब्लॉगिंग में अब। एंड दोस्तों, आज अभी तक फ्रेश नहीं हुआ, अभी अभी सो के उठाऊँ तो यार थोड़ा सा नहा नू लेते हैं, नहीं तो मतलब हाँ नहा लेते हैं आज थोड़ा सा। आज का आपको मौसम भी दिखा दे कि आज का मौसम किस प्रकार से है, और मज़ा आएगा आपको ब्लॉगिंग में। तो बने रही है, और ज़्यादा ना बोलते हुए करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। लेट्स गो। तो मैं आ रखा हूँ अपने छत पे, और देख सकते हैं आपकी मम्मी जैसे कि बोल रही थी कि कपड़े घाल दिए हैं। तो देखो इधर गए सारे जगह कपड़े घाल रखे हैं, सुखाने डाल रखे हैं। इधर देखो सारे जगह इधर घाल, मम्मी का मुटको लेने के लिए जाना था कि घर के सभी कपड़े हैं सारे धुल लें। तो यार आपको मैं एक राउंड इधर का प्यारा सा व्यू भी दिखा लेता हूँ। गाइस आप देखते हैं कि आज का व्यू है काफ़ी सुहाना है। देखो आप, एक भी फॉग देखने को नहीं मिल रहा है, और ये तो आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा लगता है ना। ये बंदर पूँछ है, देखो गाइस ये बंदर पूँछ है, और ये सोनाली गांव के, जैसे कि मैं आपको दिल्ली तरफ बताऊँ, और नीचे ये यमुना नदी बह रही है। तो चलो यार अभी नीचे चलते हैं और फ्रेश हो जाते हैं, फिर मिलते हैं आपको ब्लॉगिंग में कंटिन्यू। हाँ यार, तब तक आप अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ यार आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो यार मिलते हैं इसके बाद आपको जरूर। फाइनली आ रहा हूँ दादी के घर पे, और देख सकते हैं आपकी दादी मेरे जस्ट बगल में है। तो दादी से पूछते हैं आज की कैसा लग रहा है, यहाँ पे शादी की तैयारी चल रही है। तो दादी जी आपको कैसा लग रहा है? अच्छी, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज क्या हो रहा है यहाँ पे? चुन्ना पेंट किया जा रहे हैं, और कितना रहा हुआ सफाई करने की? बहुत सारी। कैसे चली तैयारी शादी? ठीक ठीक चल रही है। जस्ट हमारे बगल में दादाजी भी हैं, और हमारे बुड्ढा जी। आपको क्या लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है। टप्पी को हेलो गाइस। दादाजी भी हमारे हैं। यार दोस्तों, मैं सीधे आया हूँ। टप्पी इधर आ जरा। गाइस कहाँ जा रहा अभी? हम जा रहे हैं पेंट की डिब्बी लेने की तैयारी। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया कि बुआ की शादी है, तो तैयारी चल रही है, तो आज पेंट कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं पेंट लेने बाजार, और आगे देखो राज गुस्साई वो भी जा रहे हैं पेंट लेकर। तो यार चलते हैं कंटिन्यू, यहाँ से थोड़ा सा लगभग आधा किलोमीटर दूर है यहाँ से बाजार, तो वहाँ जा रहे हैं अभी। आधा किलोमीटर ही है। टप्पी को देखो सर जी, समझो कुछ भी। तो चलो आगे चलते हैं और पेंट की डिब्बी लेते हैं, फिर चलते हैं वापस। यहाँ से हम गांव का लुक देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड मतलब बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, प्यारा सा व्यू गांव का देख सकते हैं आपकी, कितना प्यारा सा व्यू आ रहा है ना गांव का।
गाइस मेरा हो गया पोपट की दुकान, यहीं पर ऊपर थी, मैंने सोचा यहाँ से दूर जाना पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे भी एक न्यू दुकान खुल रखी है, हमने पेंट वहीं लिया और अभी चलते हैं बैक घर पे। धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है गाइस, आप देखते हैं कि बड़कोट में धूप काफ़ी बढ़ गई, जो बड़कोट रहते हैं उनको पता है कि कितनी गर्मी हो रही है बड़कोट में, तो यहाँ पर चलते हैं घर पर। गाइस अभी जा रहा हूँ मैं पानी पीने और मैं ठाक मेरे पाओ जी का बेटा टप्पी, तो अभी हम जा रहे हैं पानी पीने, तो ये अभी आ रखा हूँ मैं पार्किंग के पास। तो यार गाइस मतलब ये न्यू बनी यहाँ पे ये पार्किंग, तो आपने देखा होगा मेरे पहले वाले ब्लॉग में अभी इस पार्किंग का जो काम है वो चल ही रहा था, लेकिन अब आप देख सकते कि बन के तैयार हो चुका है, यहाँ पर बन के पूरा तैयार हो चुका है पार्किंग। एंड गाइस नल के पास भी पहुँच गए, तो ये नल सबसे काफ़ी गाँव का मतलब सबसे पुराना नल है, मतलब बाबा भोलेनाथ जो देवता है उनके नाम से ये पानी निकलता है कि यहाँ से। तो यार मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ क्लियर, एंड आई एम सो सॉरी गाइस। तो देखो यहाँ पे टप्पू बहन तो पानी पी लिया है, सुकून मिल रहा है, मज़ा आ रहा है गाइस, ठंडा पानी निकल, मतलब इस नल की खासियत ये है कि गाइस यहाँ पे गर्मियों में ठंडा पानी निकलता है और ठंडियों में गर्म पानी, तो यार क्या ही बात है ना, सोलर पानी पीते हैं। गाइस पानी भी पी लिया है और चल रहे हैं घर पे, यूट्यूब पे तो चलो घर चलते हैं, मजा आ गया गाइस। और ये है गाइस गांव का खूबसूरत मैदान, फील्ड हम बोल सकते हैं गांव का, देखो गाइस कितना बड़ा है, पहले ना इतना छोटा था कि बात नहीं कर सकते, लेकिन अब देखो कितना बड़ा हो रखा है, अभी भी यहाँ पे डंपिंग हो रही है, कितना प्यारा आ रहा है यहाँ से व्यू, ऊपर देख सकते हैं आप हिमालय। तो अभी यार खाऊ मैं फाइनली अपने भाई के यहाँ जिसने मुझे यूट्यूब पे चलने की राह दी है, सबसे पहले उसको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, उसको मिलाने से पहले मुझे यहाँ अति इतना अच्छा संस्कार मिला ना, जूस मिल गया यार, कब पीने के लिए दिखाता हूँ मैं आपको, बिल्कुल भाई ने मेरे को पहले जूस दे दिया ब्रांच का जूस पी लें, चलो फिर जूस पी लेते हैं फिर मिलाते हैं आपको उन्हीं माँ भाव से, उससे पहले तब तक आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस फाइनली जूस पी लिया है, इतना अच्छा जूस था ना भाई, मजा आया, ठंडक बढ़ गई दिल को, इतना ठंडक थोड़ी मिलाता हूँ मैं आपको, सकते हैं डर रहे हैं थोड़ा तुम्हारे, ये बिल्कुल भाई यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो गाइस शर्मा रहे देखो यहाँ पे फोन में छेड़ रहे, देखो इधर क्या छेड़ रहे, शर्मा की बात नहीं है भाई, ये नोट्स देख रहे हैं फोन में, देखो बिल्कुल भाई यहाँ पे शर्मा रहे, मतलब यार मोहन बढ़ते दे रख रखे बिल्कुल भाई ने, कोई नहीं मजा चलता है। तो चलो यार गाइस इनको अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम, इनको अभी पढ़ने देंगे हम, क्योंकि यार हमसे सीनियर हैं तो शायद पढ़ने को बहुत ज़्यादा होगा, तो चलो इनको पढ़ने दो, चलते यहाँ से, मिलेंगे इनसे नेक्स्ट डे, अगले दिन मिलेंगे इनसे, ठीक है। तो अभी इनको पढ़ने दो, इनकी ना अभी खोपड़ी खराब हो रही है, गर्म हो रही है, देखो किस हाल से देख रहे यार गाइस, क्या ही बोले इनको, ठीक है गाइस अभी चलते इनका डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम, एंड नेक्स्ट डे इनसे मिलेंगे हम, तब इनका दिमाग एकदम ठंडक में डुबाओ, आहा आनंद होने के दिमाग में तब लेंगे, ठीक है। दोस्तों घर के पास दे आ रखा हूँ मैं अभी दादी के गौशाले में, क्योंकि यहाँ पे दादी ने गाय बड़को लार के, क्योंकि जहाँ पे दादी की छानी वहीं पे हमारी भी है, लेकिन आजकल बुआ की शादी की तैयारी चल रही है, इसलिए इन्होंने गाय बड़को लार की, तो देखते आप यहाँ पे अभी हम इनका गौशाला है, तभी एक चारा खा रही है उनकी छोटी बछली इधर, तो हम इन्हें बाद में आए थे यहाँ पे, तो ये फाइनली हमने बाहर निकाल दिए हैं, ये अंदर थे दिन के समय, क्योंकि दिन के समय गर्मी ज़्यादा होती है और शाम के समय ठंडा, तो बाहर निकालते हैं, तो चलो घर चलते हैं यहाँ से अभी वापस। तो दोस्तों मैं फाइनली आ चुका हूँ घर पे, एंड गाइस आज का ब्लॉग आपने देख ही लिया होगा किस प्रकार से था, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं था, नॉर्मली था, घर का ब्लॉगिंग था, एंड गाइस ज़्यादा ना बोलते करता हूँ आज का ब्लॉग यहीं पर एंड, चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ यार चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, तो आप देख ही रहोगे कि आजकल ना ब्लॉग ना खास नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, आई एम सो सॉरी,
एंड गाइज कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए इससे अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँ, और मैं भी चाहता हूँ ना कि मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँ। लेकिन गाइज क्या करें, धीरे धीरे होगा, क्योंकि मैंने बीच में ना ब्लॉगिंग बंद कर दिया था। आपने देखा कि मतलब जब पेपर चले थे तो ब्लॉगिंग मैंने बंद कर दिया था, तो लेकिन यार मैं एकदम मतलब वापस बैक नहीं आ पा रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा मुझे टाइम लगेगा। तो बाकी यार बने रहिए, फिर से उसी स्थान में मैं आ जाऊँगा जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छे ब्लॉग बना पाऊँ। तो यार माफ कर देना, अच्छा ब्लॉग नहीं हो पा रहा आजकल, तो चलो कोशिश करूँगा इससे अच्छे ब्लॉग में आगे बनाने की। तो चलो मिलते हैं आपको एक जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, टू बाय।